मध्य प्रदेश में सोमवार देर शाम बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। प्रदेश में ACS प्रमुख सचिव समेत 12 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 12 IAS अफसरों में 3 अपर मुख्य सचिव, 4 प्रमुख सचिव जबकि 5 अन्य IAS अफसर शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को गृह विभाग से हटाकर उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग ACS बनाया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार इनके पास रहेगा। अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से हटाकर कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश भोपाल, अपर मुख्य सचिव जनजातीय कार्य विभाग भेजा गया। अजीत केसरी अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग को हटा दिया गया है। इसकी जगह संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अपर प्रमुख सचिव बनाया गया है। संजय दुबे की अगर हम बात करें तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रमुख सचिव गृह विभाग बनाया गया। इसके अलावा ऊर्जा विभाग और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग भी इनके पास रहेगा। दीपाली रस्तोगी का विभाग भी बदला गया। अब उनके पास प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग और महिला बाल विकास विभाग का प्रभार रहेगा। अमित राठौर को प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा मनीष सिंह को प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग से हटाकर वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं तरुण को संचालक खाद्य नागरीय आपूर्ति संरक्षण और प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह का प्रभार दिया गया। रोशन कुमार सिंह जनसंपर्क संचालक बनाए गए हैं। गुंजा सनोबर अपर आयुक्त भू अभिलेख बंदोबस्त ग्वालियर का प्रभार उन्हें दिया गया। शीला दाहिमा को माध्यमिक शिक्षा मंडल से सहकारिता विभाग भेजा गया। प्रताप नारायण सिंह यादव को प्रबंधन संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।